Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. Hey guys, तो मैं बैग लेने आया, लेकिन बैग यहाँ पर अटक गया है. एक्चुअली बैग यहाँ पर नीचे दरवाजे में फंस गया, तो मुझे बैग पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर मैंने दरवाजा खोला तो बैग गिर जाएगा. ओके हाँ, पर अपना लैपटॉप जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं लैपटॉप में से टीवी में प्रोजेक्ट करके देखने वाला हूँ. क्योंकि मार्वल की मूवी मैंने आपको बताया था कि टीवी में देखने में ही मजा आएगी. सॉरी, मूवी नहीं है, ये सीरीज है, लेकिन फिर भी स्टार्टेड. वेलकम बैक. आज का पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पता है कि पहले तो माइक का जो होल्डर था वो फिक्स किया, उसके बाद मैंने अपना एक वीडियो जो व्लॉग था वो अपलोड किया, जिसमें मैंने अपना फ़ोन रिपेयर किया है और वो सब चीज़ें बताई हैं. उसके बाद मैंने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखा. पहले तो मैंने टीवी में चालू किया, वो आता है 45 मिनट्स का, फिर मैंने टीवी में 10 मिनट देखा, उसके बाद वाईफाई बंद हो गया, तो फिर मैंने फ़ोन पर शिफ्ट किया. सॉरी पीछे सारी आवाज़ें आ रही है इसलिए. उसके बाद मैंने अपने फ़ोन में शिफ्ट कर लिया, लेकिन वाईफाई चल नहीं रहा था, तो मोबाइल डेटा पर स्ट्रीम करना पड़ा था, जो कि अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी. तो मैंने सेटिंग्स में जाकर क्वालिटी को हाई किया, तो बहुत ही ज़्यादा लोड हो रहा था वीडियो, बार बार अटक रहा था, लेकिन फिर मैंने कैसे कैसे करके देख डाला. उसके बाद 3 को मेरा क्लास था, मैंने वो ख़त्म किया, 4:30 बजे फ्री हुआ. उसके बाद मैं सो गया, क्योंकि क्लास के बाद मैं सो गया, और फिर मैं उठा 5:15 बजे. उसके बाद मैंने 2 घंटे ऐसे ही घूमा, क्योंकि वाईफाई अभी भी चालू नहीं हुआ था और घर में नेटवर्क भी नहीं आता, घर में नेटवर्क इशू है. तो मैं ऐसे बाहर घूम रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी अंधेरा हो चुका है. बाहर घूम रहा था और जैसे यहाँ पर आके बैठा, ये हमने कैसे बैठने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है घर में, जैसे यहाँ पर आके बैठा तो मैसेज आया, यू हैव यूज 90% ऑफ योर मोबाइल डेटा, मतलब आज के कोटे में से 90% यूज़ हो चुका है. तो मैंने फटाफट 21 रुपये का रिचार्ज किया, क्योंकि वाईफाई पर भी आया नहीं था. लेकिन मैं जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा, इसके पहले मैंने 1-2 टेक्स लिए, तब वाईफाई शुरू हो गया. तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगा. गाइस, बैड न्यूज़ थी, अब नहीं रही है. लास्ट ईयर मार्च में, एज यू नो, मेरे पास एयरपॉड्स प्रो है, तो जिस दिन मैंने ये ख़रीदे थे उसके 2 दिन बाद एक जो ये साइड वाला जो एयरपॉड है वो गाड़ी के टायर के नीचे आ गया था और टूट गया था. तो दिसंबर तक मैंने एक ही एयरपॉड यूज़ किया है, उसके बाद मैंने दूसरा फिर अपनी सेविंग से ख़रीद लिया. उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो मेरा लैपटॉप बिगड़ गया, लेनोवो का, उसकी डिस्प्ले टूट गई. वो मैंने 1.5-2 महीने यूज़ किया, तो मैंने 6-7 महीने टूटा हुआ लैपटॉप यूज़ किया, वो ठीक हुआ तो मेरा फ़ोन गिर गया. फ़ोन रिपेयर होके आया तो आज मैंने कैमरा यहीं पे रखा हुआ था, यहीं पे, और ये पीछे जो लाइट दिख रही है ना आपको, वो बिगड़ गई है एक्चुअली लाइट. तो मैं यहीं पे बैठा हुआ था, कैमरा यहाँ पे रखा हुआ था, और वो लाइट क्या होती है, स्विच चालू थी तो कभी भी बंद होती है, कभी भी चालू होती है. मैं लाइट अचानक से चालू हो गई, स्विच चालू थी, तो मैं बंद करने उठा, ये जो लेंस जो इतना बाहर निकला हुआ था वो मेरे ये वाले पार्ट से टच हुआ और कैमरा नीचे गिर गया. जो लेंस था वो टेढ़ा हो गया था, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ एक से. जिसकी आप देख सकते हैं ये लेंस है, ये जो लेंस है ये अभी तो सीधा दिख रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दाग भी हो गए हैं. तो ये लेंस ऊपर की साइड हो गया था, मतलब ये लेंस जो है वो ऐसा हो गया था, ये जो मेन पार्ट है ये लेंस ऐसा ऊपर हो गया था, तो ये बैंड हो गया था, तो ये अब ठीक से काम नहीं कर रहा था. तो मैंने फिर जुगाड़ किया और फिर ऐसे इतना दम लगाया, फाइनली फिर व्यूअर्स तो सारी बैड न्यूज़ को रखते हैं बाजू में. और अभी मैं बनाने वाला हूँ मेल्टेड चॉकलेट, पता है अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो उसके लिए सर्दी हो जाएगी और कोरोना भी हो सकता है, लेकिन मुझे खाना है, सो आई विल मेक इट. पानी था इसके अंदर, सो सबसे पहले गर्म पानी करना है. उसके बाद एक बाउल में थोड़ी सी चॉकलेट्स, सबसे पहले इन चॉकलेट्स को तोड़ना पड़ेगा. डन. ओके गाइस, जो पानी जो है वो उबलने लगा है, तो मैं ये चॉकलेट इसके ऊपर रख देता हूँ.